प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आज सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि चुनाव अंतिम चरण पर हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सीएम जयराम की टेंशन की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सरकार की जनविरोधी नीतियों का डटकर सामना करते आई है, चाहे किसानों की बात हो, बागवानों की बात हो या फिर बेरोजगारी की बात हो। जहां एक ओर भाजपा के अंदर की दरारें दिख रही हैं, वहीं इन चुनावों में कांग्रेस की एकजुटता के साथ कांग्रेस की जीत की राह भी आसान होती जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी दल होने के नाते जो सरकार की जनविरोधी निर्णय उनको लेकर जो है पिछले 2-2.5 वर्षों से विरोध दर्ज करता नजर आया। हम हर पक्ष, समाज के हर वर्ग के पक्ष में खड़े हुए हैं। अभी जहाँ तक चुनाव की बात है, इन चुनावों में महंगाई जो है प्रमुख मुद्दा है, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, और प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में जो विकास शून्य के नाम पे हुआ है वो भी एक जो है मुद्दा है। हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों से भागने का प्रयास कर रही है, लेकिन आज जनता का जो समर्थन इन 4 चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में, वो इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की इन 4 जगह पे जो है पराजय निश्चित है और कांग्रेस पार्टी जो है इन 4 जगहों पे चुनाव जीतने वाली है। देखिए, चुनाव के वक्त में तो दौरे होते रहते हैं, लेकिन इन चुनाव से पूर्व उन्होंने लोगों के लिए क्या किया है, लोग इस बात को देखेंगे। अब 4 वर्षों में विकास तो हुआ नहीं, अब वो चुनाव के समय जाएंगे तो क्या कहेंगे लोगों को, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। महंगाई लगातार मंडी में ही सीएम दौरे कर रहे हैं, तो क्या समझे कि मंडी सीएम डर के मारे वहाँ पे प्रवास करें या फिर कुछ और? मंडी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके होशो हवास गायब है। अब मुख्यमंत्री जी क्योंकि मंडी के रहने वाले हैं, वो मंडी का कार्ड भी खेल रहे हैं, हालांकि वो क्षेत्रवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराते हैं। वो अपना किला बचाना चाह रहे हैं, लेकिन बचने वाला नहीं। जनता जागरूक है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है सरकार को, इसलिए मंडी में हमारी जो प्रत्याशी हैं प्रतिभा सिंह जी, वो भारी बहुमत से जीतेगी। और मुझे ये भी कहना है कि एक महिला पे जिस तरह की टिप्पणियां आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, वो गरिमा के अनुकूल नहीं। आपका दिल्ली दौरा है, किस चीज़ को लेकर दौरा है और क्या है? देखिए, कल प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग होने वाली है, क्योंकि हम बहुत जल्दी पूरे देश में सदस्य अभियान शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा